हेलो एवरीवन, मेरा नाम लासिन आवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों आपको एक इमिग्रेशन एजेंट या रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के साथ कंसल्टेशन करनी चाहिए। इससे क्या फायदे हो सकते हैं, आप बहुत सारे नुकसान से बच सकते हैं। तो इस हवाले से मैं कुछ की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है ना ऑस्ट्रेलिया का, इसके लॉज बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जो आप आमतौर पे पढ़ रहे होते हैं वो आपको उस तरह, वो हो सकता है पॉलिसी उसके बैकएंड पे और हो या वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो। मिसाल के तौर पे बहुत दफ़ा ऐसे होता है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि क्लाइंट मुझे कुछ और बता रहा होता है जो कि इमिग्रेशन की वेबसाइट में एक्चुअल में छपा होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो जो वेबसाइट पे छपा हुआ है वो आप वो लॉ ऐसा नहीं है, वो ऐसा ही है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने में या उसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो है ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं क्लेम मैन के लिए। मिसाल के तौर पे मेरे पास उस दिन एक साहब आए, उन्होंने ये कहा कि मैंने जी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे पढ़ा है अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो आप विद इन 28 डेज नया वीज़ा जो है ना वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये सच भी है, रेलिवेंट भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें कंडीशनल है। मिसाल के तौर पे अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आप 28 डेज कर सकते हैं, विद इन 28 डेज ऑफ द एक्सपायरी, लेकिन कौन कौन से वीज़ास कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ही है। दूसरा, बहुत सारे लोग ब्रिजिंग ई डाल देते हैं, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। 408 जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। बहुत सारे वीज़ाज जो हैं जो आपके डिज़ायर्ड वीज़ाज हैं, हो सकते हैं आप अप्लाई ना कर सकते हो। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हैं, डायनामिक्स हैं। अब होता क्या है कि आपकी इंटरप्रिटेशन करने में काफ़ी सारी मुश्किलात आ सकती हैं जिससे बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है। तो ये तो एक सबसे पहले जो पॉइंट है वो इसके, चूँकि रूल्स है डायनामिक्स, तो आपको इस हवाले से बड़े ध्यान से रहना है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है जी वो है जी वीज़ा एप्लीकेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अच्छा, वीज़ा एप्लीकेशन, जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि वीज़ा एप्लीकेशन, तो भाई वो एप्लीकेशन के फॉर्म को भरने की बात नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे फॉर्म पे जहाँ लिखा है योर फर्स्ट नेम, आपने उठा के लगा दिया योर फर्स्ट नेम, वो तो आपको भी पता है आपका जो है वो सर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर्म भरने को वीज़ा एप्लीकेशन जो है ना वो नहीं कहते। उसके हवाले से जुड़ी हुई जो कंडीशंस हैं उनको कंप्लाई करना, उनको सेटिस्फाई करना, उसको वीज़ा एप्लीकेशन कहते हैं। अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा ऐसे देखा है कि लोग अप्लाई करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन और वो इनवैलिड होकर लौट के आ जाती है। मिसाल के तौर पर ये कि उन्होंने जब वो एप्लीकेशन अप्लाई की तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो तो पूरी नहीं थी, तो वो तो इनवैलिड होकर वापस आ जाएगी या रिफ्यूज़ हो सकती है। इनवैलिड होने का मतलब ये है कि वो डिपार्टमेंट ने सिरे से उसको माना ही नहीं, और रिफ्यूज़ होने का मतलब ये है कि रिफ्यूज़ल आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री में चला जाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे रिसेंट केसेस देखे जिसके अंदर मिसाल के तौर पे लोगों ने ये कहा कि जी डिपार्टमेंट जो है ना वो फीस माफ कर रहा है, अगर आप अपने फॉर्म 1545 लेके अपने प्रोवाइडर से लगा देंगे तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, अच्छा फीस हमारी वेव ऑफ हो जाएगी। लोगों ने क्या किया, खुद से अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों का हो गया। बहुत सारे वो हैं जिनको आप शायद जानते भी ना हो, हुआ क्या कि जब उनका लेट्स से वीज़ा एक्सपायर हो रहा था 15 मार्च को, उन्होंने 13 मार्च को अप्लाई कर दिया। अब उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, उन्होंने कहा ठीक है हमने तो अप्लाई कर दिया। 16 मार्च को एक ईमेल आती है उसका, वो डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये कहती है कि भाई आपकी एप्लीकेशन तो इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब ये है कि अब लीगली वो बंदा अनलॉफुल हो गया। देखें, अब इसके अंदर वो ओवरस्टे के अंदर आ गया, अनलॉफुल हो गया, इलीगल हो गया, जो भी टर्म आप इसके लिए यूज़ करें, लेकिन उसका नुकसान हो गया। तो मतलब ये कि वीज़ा एप्लीकेशन भरना जो है ना भाई, ये वीज़ा एप्लीकेशन भरना नहीं होता। वीज़ा एप्लीकेशन उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना, वो एक्चुअल में वीज़ा एप्लीकेशन होती है। तो पॉइंट जो इसको ब्रिंग इन करने का या आपकी अटेंशन में लाने का मकसद ये था कि वीज़ा एप्लीकेशन करना होता क्या है। अच्छा, एक और चीज़, डीलिंग विद द माइग्रेशन जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इज़ डिफ़िकल्ट। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिपार्टमेंट से डील कर रहे हैं तो ये सम टाइम्स आपसे डिफ़िकल्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पे आम तौर पे जो प्रैक्टिस है वो आती है जी, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे होते हैं उसमें सेक्शन 56 या सेक्शन 57 का लेटर आता है। 56 का मतलब ये है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। अब एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को बहुत दफ़ा आपको पूरा पढ़ना होता है। अब मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, मुझे एक साहब फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी मुझे कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो मैंने कहा आपको इतनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी डिपार्टमेंट ने मुझे लेटर भेजा हुआ है कि आपको बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो है वो आप दें। तो मैंने कहा उसके ऊपर तो लिखा होता है
कि कितनी चाहिए, एग्जैक्ट आपको अमाउंट भेजेंगे अगर आपने सेक्शन 56 का लेटर मौसूल किया है। तो उन साहब ने एंड तक नहीं पढ़ा हुआ था, हालांकि उस पर लिखा होता है, तो यू मे इग्नोर दैट। एक तो ये, अच्छा दूसरा ये है कि जिस लैंग्वेज में उन्होंने समटाइम्स लिखा होता है, दैट मे बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती भाई, बिल्कुल आती होगी, लेकिन समटाइम्स इसका मतलब जो है बहुत सारे निकलते हैं। वो कहेंगे भाई ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट दे, इसको टेस्ट सेटिस्फाई करें, आपको लगा सीधे सीधे दे दिए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा ये तो हो गया सेक्शन 56 सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स। एक होता है सेक्शन 57 लेटर ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा इसका मतलब ये होता है एडवर्स इंफॉर्मेशन रिसीव। अब वो डिपार्टमेंट जो है ना वो इंडिकेट ही करेगा कि हमें एडवर्स इंफॉर्मेशन आई है, वो ये शायद ना बता सके आपको पूरी तरह खुल के कि हमें आया क्या। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है कुछ और हो सकती है, डिपार्टमेंट कुछ और मांग सकता है, तो ये भी डिफिकल्ट हो सकता है। अच्छा एक और पॉइंट जो है उन लोगों के लिए जो कि वीज़ा एप्लीकेशन होल्डर हैं, वो जो वीज़ा होल्डर हैं, अच्छा वीज़ा होल्डर्स के लिए समटाइम्स जो है ना वो नॉएक आ सकता है, सेक्शन 116 का नॉएक आ सकता है, तो उसको भी अंडरस्टैंड करना, उससे एड्रेस करना डिफिकल्ट हो सकता है। उस टाइम पे किस कंडीशन को आपने ब्रीच किया हुआ है या पास्ट में ब्रीच किया था, उसके ऊपर भी जो है ना डिपार्टमेंट पूछ सकता है। तो डिपार्टमेंट जो है ना इसको डील करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेके, एडवाइस लेके ही इसको चलें, करना है आप खुद करें, किसी से कराएं, लेकिन वो बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए जो आपके बिहाफ पे भी कर रहा है। तो ये एक और पॉइंट है जो आपको बताना चाह रहा था कि क्या फवायद उसके हो सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ ही, आपको इमिग्रेशन जो एजेंट है या रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट है उनसे डील करते हुए आप और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो वीज़ा एप्लीकेंट है ना उसकी ऑप्शंस और बन रही होती है, उसको पता नहीं होता। ऑब्वियसली उन्होंने अपने हिसाब से रिसर्च की होती है या नहीं की होती, या सुना सुनाया होता है, उसी को रिसर्च समझ रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि भाई उनको, उन्होंने जो सुना होता है ना वही उसकी रिसर्च होती है, या अगले बंदे ने सुना होता है उसकी भी वही रिसर्च है। तो वो फिल्टर होते 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 वो चाइनीज रिडल की तरह एक अजीब सा चूचू का मरब्बा बना होता है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है ना हम भी हैरान होते हैं कि आई कहाँ से, हालांकि डिपार्टमेंट को भी नहीं पता होता कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से। तो देखिए आप ऑप्शंस और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर माइट बी द चांस कि आप जब माइग्रेशन एजेंट के साथ, रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट के साथ आप डील कर रहे हो तो आप और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करें या उनसे क्वेश्चंस करें। हमेशा मैं एक बात कहता हूं, जब आप उनसे क्वेश्चन करने जाएं या आप उनसे बात करने जाएं तो प्लीज अपने सवाल लिख के लेके जाएं। एक तो आप आपके सवाल जो है एड्रेस हो जाएंगे, दूसरा वो आपको जो है वो ब्रीफ कर देंगे। तो बेहतर ये है सवाल लिख के लेके जाएं ताकि आपका भी और उनका भी टाइम बचे, और एक हम फोकस्ड जो है ना वो आप एडवाइस ले सकें जो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदामंद हो। अच्छा एक और पॉइंट जो है जी, रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट से आपको डील करने का क्या फायदा हो सकता है। इससे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। बहुत दफा हमने देखा है छोटी 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 चीजें जो है ना लोग मिस कर चुके होते हैं, जो लगता उनको छोटी हैं लेकिन वो छोटी छोटी करते हुए काफी बड़ी बन चुकी होती हैं। मिसाल के तौर पे पार्टनर वीजा की अगर आप मिसाल लें तो पार्टनर वीजा के अंदर टेक्निकली एक नहीं दो एप्लीकेशंस होती हैं। मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेस में देखा है सेल्फ लॉन्च्ड एप्लीकेशन होती हैं, पूरी एप्लीकेशन भी नहीं की होती, कुछ और कहा होता है, एप्लीकेशन एक सबमिट की हुई है, एक सबमिट की नहीं हुई, डिपार्टमेंट जो है वो कुछ और मांग रहा है, ये कुछ और दे रहे हैं, और डिपार्टमेंट जो है वो कहेगा। और देखें मैं शुरू में एक बात जरूर कहता हूं कि आपका डिपार्टमेंट जो है ना वो असेसर है ना कि टीचर है, वो आपको ये नहीं बताएगा कि भाई आपने क्या देना है। मतलब ये कि वो आपको असेस करेगा जो आप दे चुके हैं, हाँ आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की सूरत में तो बताएगा। कहने का मतलब ये है कि डिटेल्ड में जाकर नहीं बताएगा कि भाई तेरा केस इस तरह का है, तू आप इस तरह चीजें प्रोवाइड करें। मसलन अगर वो ये कहता है आप जो है ना फाइनेंशियल एस्पेक्ट को सेटिस्फाई करें, तो डिपार्टमेंट तो नहीं आगे बताएगा कि अगर आप वेस्टर्न यूनियन से या रिमिटली से या रिया से पैसे भेजते रहे हैं तो यार उसकी रसीदें भी दे दो। तो वो तो आपको माइग्रेशन एजेंट ही बताएगा। तो प्रैक्टिस की बात, लॉ लॉ है, डिपार्टमेंट आपका असेसर है, टीचर नहीं है, तो वो आपको जरूर बताएगा कि क्या देना है, किन एस्पेक्ट को सेटिस्फाई करना है, लेकिन ये इंटरप्रेट करके नहीं बताएगा कि आपको उसको एक्चुअल में कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो इससे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ सकते हैं अगर आप रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट से कंसल्ट करें। तो ये कुछ फवायद हैं जो कि चीदा चीदा पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अगर आपका कोई सवाल है क्यूरी में, आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।